सर देखो हमारा लॉ चल रहा है बहुत स्लो, ये तो योगी जी आए तो उसको सजा मिल गई, वरना उसने जज से लेकर पूरा कानून अपनी मुट्ठी में रख रखा था। कितने जज ट्रांसफर हो गए थे, इनके पास पावर होती है जज को ट्रांसफर करवाने की। अखिलेश यादव जी इनके साथ थे बीएसपी में, ये थे इनके नाम पे वोट मिलते थे, तो इनको कैसे सजा दिलवा देते। पर हम चाहते हैं सरकार से ऐसे का इनकाउंटर हो, क्यों जेल में बैठ के रोटी खा रहे सरकार की, टैक्स हम दे मारे वो गुना वो करे और अब जेल में रहे, ये तो गलत है। और अब योगी के राज में पूरा कानून चल रहा है, बुलडोजर नहीं योगी जी प्रदेश में पूरा तहलका मचा रहे हैं। अगले पीएम मैं तो चाह रहा हूँ योगी जी बने, जब भी भारत सुधरेगा। भारत में आज भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून चला रहे हैं। 32 साल वेट करने के बाद इंसाफ, क्या इंसाफ होता है? और एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में, जस्टिस डिनाइड इज नो जस्टिस। सही कह रहे हैं आप, न्याय में विलंब भी एक प्रकार का अन्याय। मैं तो कह रहा हूँ हर राज्य का सीएम योगी जैसा होना चाहिए। नमस्कार, मैं अंजनी कुमार। आज उत्तर प्रदेश में एक और माफिया मिट्टी में मिल गया है, मुख्तार अंसारी, जिसे उम्र कैद की सजा हुई है। आज चूंकि 5 जून है और योगी आदित्यनाथ का बर्थडे है, और योगी आदित्यनाथ के बर्थडे पे योगी जी को गिफ्ट मिल गया है, समझिए। तो लोग कह रहे थे कि योगी जी बुलडोजर नीति पे काम करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेके काम करते हैं, लेकिन मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दिया। हमारे साथ है वकील साहब, क्या नाम हुआ वकील साहब आपका? एडवोकेट तरुण भारद्वाज। एडवोकेट तरुण भारद्वाज जी हमारे साथ। सर 31-32 साल पहले जो हत्या किया था उसे कोर्ट को सजा देने में इतना समय कैसे लग जाता है? सर देखो हमारा लॉ चल रहा है बहुत स्लो, ये तो योगी जी आए तो उसको सजा मिल गई, वरना उसने जज से लेकर पूरा कानून अपनी मुट्ठी में रख रखा था। ये तो योगी जी के दम पे सजा मिली है, वरना किसी की दम नहीं थे उसको सजा दे देते। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो सरकार है, जो मुख्यमंत्री होता है, वो कोर्ट और कचहरी से ऊपर होता है पहले, इस तरीके का? नहीं नहीं, आप देखो जो अहमद था इससे पहले कितने जज ट्रांसफर हो गए थे, इनके पास पावर होती है जज को ट्रांसफर करवाने की, क्योंकि सीएम इनका है। अखिलेश यादव जी इनके साथ थे बीएसपी में, ये थे इनके नाम पे वोट मिलते थे, तो इनको कैसे सजा दिलवा देते। अगर जेल के अंदर पहले चले जाते इनके तो वोट चले जाते ना भाई, तो इनको तो बाहर रखना जरूरी था, वोट बैंक भी तो चाहिए इनको, तो इसलिए बाहर घूम रहे थे। अब योगी जी को डर नहीं है, उनको तो बनाना हिंदू राष्ट्र और उनको तो इनको अंडर करना था। अच्छा, मुख्तार अंसारी को जो उम्र कैद की सजा हुई है, आपको नहीं लग रहा है कि फांसी की सजा भी हो सकती थी? ये उम्र कैद की सजा क्यों दी जाती है किसी अपराधी को? उम्र कैद की सजा जब दी जाती है जब बहुत सीरियस ऑफेंस हो, और उसके पास तो लाइनें हैं ऑफेंस की, अब उसके पास तो पता ही नहीं कितने ऑफेंस है। अब उसको क्या होगा, एक में उम्र कैद मिली दूसरे में उम्र कैद मिलेगी, वो तो जेल में ही रहेगा। पर हम चाहते हैं सरकार से ऐसे का इनकाउंटर हो, क्यों जेल में बैठ के रोटी खा रहे सरकार की, टैक्स हम दे मारे वो गुना वो करे और अब जेल में रहे, ये तो गलत है, ये तो ऐसा नहीं चलता। नहीं चलता, उसे फांसी होना चाहिए था, इनकाउंटर होना चाहिए था, उसका इनकाउंटर होना चाहिए था। क्या इनकाउंटर जो है एक लीगल प्रोसेस है? लीगल प्रोसेस नहीं इनकाउंटर। तो इनकाउंटर कैसे कर सकता है कोई? भाई जब वो किसी को मार सकते हैं तो ऐसे को रह के क्या करेगा? ये जो विकास दुबे का हुआ और जो इसका अहमद का हुआ, इनका भी यही होना चाहिए था। क्यों हम अपने टैक्स पे क्यों पाले भाई इनको? क्यों पाले अपने टैक्स पे हम इनको? टैक्स हम दे, मौज ये करे और अपराध भी ये करे, हमारी जमीनों पे कब्जा करे, हमारी बहन बेटे को उठा के लेके जाए ये, और गद्दी पे भी यही बैठे फिर। अच्छा, 50 से ज्यादा मामला जो है मुख्तार अंसारी पे दर्ज था, 50 केस दर्ज होने के बावजूद भी आज से पहले कभी मुख्तार अंसारी जो है आरोपी साबित नहीं हुआ, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? भैया लॉ एंड ऑर्डर उसके हाथ में था, सरकारें उसके हाथ में थी। अब कोई अगर कुर्सी पे बैठा है उसकी भी तो फैमिली है, और मुख्तार अंसारी बदमाश था। आपको मैं बोलूं, आप अगर मेरे बारे में बोलोगे मैं आपको मार दूंगा, आप बोलोगे? तो मुख्तार अंसारी का वो था, इसलिए उसको सजा नहीं मिलती थी। पर कहते हैं ना हर आदमी का वक्त आता है, योगी जी आए उसका वक्त लिया है, और अब योगी के राज में पूरा कानून चल रहा है, बुलडोजर नहीं योगी जी प्रदेश में पूरा तहलका मचा रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं वो, जो देश उन्नति कर रहा है और देश जो भर रहा है। अगले पीएम मैं तो चाह रहा हूँ योगी जी बने, जब भी भारत सुधरेगा, जब भी भारत सुधरेगा। आजकल बच्चा यहाँ आप जाओगे गुरुद्वारे के पास, रात को जो श्रद्धालु आते हैं, कितने फोन चोरी के केसेस यहाँ पे, चोरी बढ़ती जा रही है, अपराध बढ़ता जा रहा है। केजरीवाल क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जब से केजरीवाल, क्राइम रेट दिल्ली में दुगना हो गया है, योगी जी जब से आए क्राइम रेट कम हो गया है, और यूपी क्या क्राइम में राजा हुआ करता था, अब देखो अब कहा गया। उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दल हैं वो लगातार आरोप लगाते हैं योगी जी पे कि योगी जी लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेके बुलडोजर चलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देखते हैं। आपको लग रहा है कि, क्योंकि आप कानून के जानकार हैं, लग रहा है कि योगी जी कानून अपने हाथ में लेके काम करते हैं? नहीं बिल्कुल, वो कानून से चलते हैं, योगी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल कानून के ऑर्डर ही कर रहे हैं, कानून के अंदर ही कर रहे हैं। और ये विपक्ष की आप क्या बात कर रहे हो, अपोजिट की, वो तो एक चीज बता दीजिए जिसमें वो खुश हुआ हो, एक चीज बता दीजिए जिसमें वो सपोर्ट में आया हो,
अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी वो हर चीज में साथ रहते थे जो देश के लिए भला होता था। यहाँ जो देश के लिए भला है उसमें भी साथ नहीं है। तो ये तो हर चीज में यहाँ पे ये देश का विरोध नहीं कर रहे, योगी मोदी का विरोध कर रहे हैं। ये लोगों को सोचना चाहिए, ये दो लोगों का विरोध कर रहे हैं, ये देश के पक्ष में नहीं है, ये इन दोनों आदमी के पक्ष में है। और किस विरोध की बात कर रही है, हर चीज में तो विरोध करते हैं। मैंने कभी नहीं देखा आज तक कि किसी के साथ हुए, किसी के साथ खड़े हुए, एक फैसले में साथ नहीं खड़े ये। इनको तो काम ही विरोध करना है, किसान आंदोलन से लेके आज की डेट में हर चीज पे विरोध में ये, साथ तो देना नहीं इनको, विरोध करना है। अच्छा, लग रहा है आपको कि अगर कोर्ट जो है योगी सरकार को बोल दे कि बुलडोजर नहीं चलाना है तो योगी जी नहीं चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है योगी जी? बिल्कुल कर सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पे सीलमपुर में जुगिया टोड़ी जा रही थी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया था। हाँ। जो बड़ा फेमस हो गया था कबारी के लिए, आपका कपिल सिब्बल पहुंच गया था। हाँ। तो बिल्कुल कोर्ट का ऑर्डर तो सबको मानना पड़ेगा। अगर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज भी मोदी जी को बुला ले तो उसको तो आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो कानून तो सबसे ऊपर है देखो, क्योंकि मोदी जी भी कानून की शपथ लेते हैं, उससे ऊपर तो कुछ नहीं है। और योगी जी कानून के दायरे में आके काम कर रहे हैं, वो कानून से बाहर नहीं जा रहे। अब कानून में सजा थी इम्प्रिजमेंट की, लाइफ इम्प्रिजमेंट तो उनको मिली, कानून में थी ये सजा। अब कुछ लोगों का कहना है कि योगी जी जो है पहले अल्टीमेटम देके और मतलब जो जितने भी वहाँ पे माफिया है उनको जो है सो धमका करके कि हम मिट्टी में मिला देंगे, उसके बाद जो है सो कानून ऑर्डर कानून से हो या फिर अपने बुलडोजर नीति से हो उसे परेशान करते हैं, लोग ये आरोप लगा रहे हैं, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, परेशान तो नहीं करते। अब देखो जिसने देश को और प्रदेश को परेशान किया है, अगर उसको कोई परेशान करने वाला आ गया है तो ये खुशी की बात है। जो हमें परेशान करेगा तो मोदी योगी जी उसको परेशान कर ले। अब आज तक इन्होंने क्या किया, यूपी में गुंडा राज था, पूरा गुंडे ही राज था। यूपी में लोग नौकरी करने नहीं जाते थे, सरकारी नौकरी के लिए यूपी में जाना पसंद नहीं करते थे। यूपी के लोग दिल्ली आके काम करते थे, पर आज में यूपी के लोग दिल्ली नहीं आना चाहते, वो यूपी में ही काम करना चाहते हैं। रोजगार योगी जी ने इतना बढ़ाया है और इतना काम किया प्रदेश में, आज तक किसी ने नहीं किया। जब भी वो सेकंड टर्म में आए हैं, आज तक कोई ऐसा सीएम नहीं था कि जो दूसरी बार देश का प्रदेश का वो बनाए मुख्यमंत्री, योगी जी बने और तीसरी बार। तो हमारा तो सपना है पर सीएम ना बने वो, अब पीएम बने वो। ठीक है, अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी, ये दोनों जब बड़े बड़े गैंग चलाने वाले लोग जब अब खत्म हो जाएंगे तो आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो है सो अब बिल्कुल ही इस तरीके का कोई घटना नहीं होगा जो पहले होता था? घटना तो देखो भाई थोड़ी बहुत तो होती रहती है, लोग है, समाज है, कुछ ना कुछ तो करता है, पर दिन पे दिन सुधरता जा रहा है प्रदेश। पहले जैसा पर अपराध नहीं रहा, जैसे पहले माफियाओं का राज था, जिस अतीक अहमद के बारे में कहा जाता था जिस जमीन पे वो देख लेता था वो उसकी हो जाती थी, और अंसारी का भी ऐसा था जिस जमीन को वो देख लेते थे वो उनकी हो जाती थी। पर आज जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, वहाँ कानून का राज चल रहा है, पहले इनका राज होता था। अच्छा, एक मर्डर के आरोपी को सजा देने में कोर्ट को 32 साल लग जाता है, आपको नहीं लग रहा है कि कानून में कुछ सुधार होना चाहिए? कानून में सुधार होना चाहिए, काफी कानून हमारे ऐसे हैं। और रही बात कानून की, इसके लिए भी मोदी जी एक कमेटी बनाई थी उन्होंने, पर उन्होंने लॉकडाउन के चलते रोक दी थी वो, जिसमें ये था। और कमेटी बनी हुई है आपकी जिसमें ये है कि सारे कानून, अब हम जो कानून फॉलो कर रहे हैं, आईपीसी ये किसने बनाया था? ये हमने तो बनाया नहीं, लॉर्ड मैकॉले ने बनाया था। और लॉर्ड मैकॉले के कभी आप विचार सुनो, 1860 में आया था ये कानून हमारा। और आपको याद अगर पता होगा 1857 की हमारा वो हुआ था, वॉर हुआ था सबसे पहला क्रांतिकारी वॉर, जिसमें मंगल पांडे आए थे, फर्स्ट रेवोल्यूशन वॉर वहाँ से शुरू हुआ था जिसमें मंगल पांडे आए थे। उसके बाद 1860 में लेके आए थे आईपीसी, और अंग्रेज क्यों लेके आए थे, भारत को दबाने के लिए। और देखो उस कानून का नतीजा देखो, वहाँ तो इन्होंने इसको रिपील कर दिया, पर भारत में आज भी हम अंग्रेजों के बनाए कानून चला रहे हैं। जितने आप कानून उठा लीजिए, एक सीआरपीसी को छोड़ के जो कि आपकी अभी आया था अमेंड हुआ था, पर आपका एविडेंस उठा लीजिए 1872 का है वो, और आप सीआरपीसी उठा लीजिए 1860 का कानून है, 1860 का। अगर मैं आपसे आज की डेट में पूछने लगूं कि 1860 में आपके दादा परदादा जो भी रहे उनका नाम क्या था, किसी को नहीं याद होगा। पर कितना पुराना बाबा आजम वाले जमाने का हम कानून चला रहे हैं आज की डेट में भी, तो कानून में भी बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कानून में बदलाव। फास्ट फूड की तरह कानून होना चाहिए ताकि तुरंत के तुरंत, आज की डेट में हमारे पास फोन है, हम एक टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं अमेरिका में भी किसी बंदे को। और हमारे इंसाफ के लिए 32 साल लग रही है, तो सोचना चाहिए हमें भी कि कानून हमें एक ऐसी दिशा दे। हम इतनी टेक्नोलॉजी में आ गए, पहले चिट्ठियां लिखते थे तो, और चिट्ठियां लिखते थे, फोन के जमाने में आ गए, तो कानून भी होने चाहिए, डिजिटल होना चाहिए। अब लोग वेट नहीं करते 32 साल, अगर मैं हूँ और किसी ने मारा है हमारी किसी को, 32 साल वेट करने के बाद इंसाफ, क्या इंसाफ होता है? और एक कॉन्सेप्ट होता है लॉ में, जस्टिस डिनाइड इज नो जस्टिस। सही कह रहे हैं आप, न्याय में विलंब भी एक प्रकार का अन्याय, अन्याय है। और 32 साल के बाद जो इस अपराध में 32 साल पहले जो मर गया है उसका बेटा भी बुद्धा हो गया होगा, क्या न्याय मिला होगा? उसके भी बच्चे हो गए होंगे, अब उसको याद मिलेगा मेरा दादा परदादा वो मारा था। पर अपराधी देखिए आप,
एक अपराध करके मजा आ जाता है उसको, तो उसका नाम बन जाता है। अब क्या लग रहा है कि योगी सरकार में जो लॉ एंड ऑर्डर पूरा बढ़िया तरीके से आपके हिसाब से चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, और मैं तो कह रहा हूँ हर राज्य का सीएम योगी जैसा होना चाहिए, क्योंकि हर राज्य में गुंडाई को संभालने वाला आदमी होना चाहिए। देखिए आप सिंपल सी बात है, अगर यूपी में मनमोहन सिंह को बना देते सीएम, वो नहीं संभाल पाते, नहीं संभाल। तो यूपी में जैसे लोगों की अखिलेश यादव संभाल पाए थे कि नहीं? नहीं संभाल पाए थे, जब ही तो ये पैदा हो गए वो दबदा देते, या तो वही बुलडोजर ले आते। क्या अखिलेश यादव की शरण में ऐसे ऐसे गुंडे मवाली पैदा होते हैं? नहीं हुए, नहीं थे, उनके फादर के टाइम पे थोड़े बहुत हो गए थे, जब समाज ही ऐसा था, जब समाज ही ऐसा था, किसी ने गौर नहीं करी, और ऊपर से सेंटर अलग था, तो किसी के पास सपोर्ट नहीं था कि वो आपस में कुछ कर पाए। पर अब जैसे डबल इंजन की सरकार है तो उनके पास सपोर्ट है, मोदी जी है, योगी जी है, साथ मिलकर काम कर रहे हैं।